सनी देओल की आने वाली फिल्म को कौन देने वाला है कड़ी टक्कर? सनी देओल अपनी फिल्म में सारा अली खान को क्यों लेना चाहते थे? सनी देओल अपनी कौन सी फिल्म को लेकर डरने लग गए हैं? दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राद के इस नए वीडियो में। बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज होती रही हैं और इन फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिलती है। सनी देओल की गदर और आमिर खान की लगान भी एक साथ रिलीज हुई थी और दोनों फिल्मों के बीच क्लैश हुआ था, लेकिन दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं। शाहरुख खान की डॉन सुपरहिट साबित हुई थी, जबकि सलमान खान की जाने मन फ्लॉप साबित हुई थी। बॉलीवुड में बड़े स्टार्स की फिल्मों का एक साथ रिलीज होना और क्लैश करना आम बात है, लेकिन इससे एक साथ रिलीज होने से फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ज़रूर असर पड़ता है और नुकसान भी होता है। अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म गोल्ड और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते भी एक साथ रिलीज हुई थी। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 में भी कई बड़े स्टार्स की फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली हैं। जो बड़े स्टार्स की फिल्में हैं, अजय देवगन की तानाजी और दीपिका पादुकोण की छपाक, दोनों एक साथ 10 जनवरी 2020 में रिलीज हो रही हैं। रणवीर कपूर की आने वाली बड़े बजट की फिल्म ब्रह्मास्त्र और राजकुमार राव की आने वाली फिल्म मेड इन चाइना एक साथ रिलीज हो रही हैं। ये दोनों फिल्में 15 अगस्त 2019 को एक साथ क्लैश करेंगी। इन दोनों फिल्मों में मौनी राय नजर आने वाली हैं। सनी देओल अपने बेटे करण देओल के लॉन्च की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। खबर है कि पल पल दिल के पास की शूटिंग में सनी देओल पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, लेकिन अब करण देओल के लॉन्च पर क्लैश का ग्रहण लग गया है। 19 जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब दिलजीत सिंह दोसांझ और कृति सेनन स्टारर फिल्म अर्जुन पटियाला के साथ क्लैश करेगी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म अर्जुन पटियाला काफी समय से अटकी हुई फिल्म है। रोहित जुगराज इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं करण देओल और शहर बॉम्ब की डेब्यू फिल्म खुद सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले सनी देओल घायल रिटर्न्स भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। पल पल दिल के पास एक रोमांटिक फिल्म है, जबकि अर्जुन पटियाला एक रोमांटिक कॉमेडी है। ऊपर से फिल्म में वरुण शर्मा का भी तड़का है, जो फुकरे और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सबको एंटरटेन कर चुके हैं। पल पल दिल के पास के पोस्टर को रिलीज किया जा चुका है, जिसे लोगों ने खास रिस्पॉन्स तो नहीं दिया है, लेकिन अर्जुन पटियाला का पोस्टर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जिसका लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। सनी देओल ने करण देओल के अपोजिट नए चेहरे की तलाश के लिए लाखों लड़कियों के ऑडिशन लिए थे, जिसके बाद उन्होंने शहर को फिल्म के लिए सेलेक्ट किया था। अर्जुन पटियाला फिल्म की बात करें तो फिल्म में कृति सेनन दिलजीत सिंह दोसांझ के साथ नजर आएंगी, जो इससे पहले बरेली की बर्फी और लुका छुपी जैसी रोमांटिक फिल्में कर चुकी हैं, जो सुपरहिट रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि सनी देओल पल पल दिल के पास में सारा अली खान को कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि सारा अली खान की माँ अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म से सनी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसी फिल्म से अमृता सिंह ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सनी चाहते थे कि अगर ये दोनों करण देओल और सारा अली खान एक साथ फिल्म में नजर आते हैं तो फिल्म को और भी ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। दिलजीत दोसांझ इससे पहले उड़ता पंजाब में नज़र आए थे, जो ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म सूरमा में भी वो नज़र आए थे, फिल्म फ्लॉप हुई थी, लेकिन उनकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई थी। सनी देओल बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे करण देओल के साथ किसी भी सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हो, लेकिन दिलजीत दोसांझ की अर्जुन पटियाला ने उन्हें अब फिक्र में डाल दिया है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड में भी उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, लेकिन करण देओल पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। सनी देओल की पूरी दुनिया दीवानी है और उनकी पहली फिल्म बेताब से लेकर घायल रिटर्न्स तक हर फिल्म को उनके फैंस ने देखा है, लेकिन करण देओल की फिल्म को लेकर अभी इतनी एक्साइटमेंट पब्लिक में नहीं है। लेकिन फिल्म को सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिल्म को उनके फैंस तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन क्या दिलजीत सिंह दोसांझ सनी देओल को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? और पल पल दिल के पास और अर्जुन पटियाला में से कौन सी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत का लोगों को कितनी बेसब्री से इंतजार है, ये तो सभी जानते हैं। भारत फिल्म का टीजर रिलीज होते ही हर तरफ सलमान खान की चर्चाएं हो गई थी। हो भी क्यों ना, सलमान खान का स्टारडम जितना ज्यादा है और उससे भी ज्यादा उनके फैंस की लिस्ट है, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। भारत के टीजर ने रिलीज होते ही टॉप ट्रेंड पर रहकर रिकॉर्ड कायम किया था। सलमान खान की फिल्म भारत के ट्रेलर से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है।
जो सलमान खान के फैंस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज बनने वाली है। क्या सलमान खान भारत के ट्रेलर से अपने फैंस को डबल गुड न्यूज देना चाहते हैं? सलमान खान की फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म के ट्रेलर के आने की अपडेट हाल ही में दे दी है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भारत फिल्म का ट्रेलर अप्रैल के थर्ड वीक में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म के ट्रेलर की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। इससे तो यही लग रहा है कि अली अब्बास जफर के साथ मिलकर सलमान खान अपने फैंस को इस साल अप्रैल में दो गुड न्यूज देने वाले हैं। पहली गुड न्यूज ये है कि उनकी फिल्म भारत का ट्रेलर आने वाला है और दूसरी गुड न्यूज ये है कि उनकी दबंग 3 की शूटिंग भी अप्रैल से ही शुरू होने वाली है। सलमान खान के फैंस को जितनी बेसब्री से उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है, सलमान खान भी अपने फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए पूरा शेड्यूल सेट कर चुके हैं कि कब उन्हें क्या करना है, जिससे वो अपने फैंस से कनेक्ट रह सकें। क्या भारत के ट्रेलर में सभी एक्टर्स के लुक्स को रिवील किया जाएगा? आपको बता दें, फिल्म भारत ईद 2019 पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, तब्बू, दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। आपको याद होगा कि भारत फिल्म के टीजर में कैटरीना कैफ के लुक्स को लेकर सस्पेंस रखा गया था, उन्हें टीजर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। लेकिन अब लगता है कि अप्रैल के थर्ड वीक में आने वाले भारत के ट्रेलर में कैटरीना कैफ से लेकर सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, तब्बू, दिशा पाटनी सभी एक्टर्स के लुक्स देखने को मिल सकते हैं। सलमान खान की अगली फिल्म भारत का पहला टीजर आ गया है। तकरीबन 1.5 मिनट लंबा ये टीजर सलमान खान के करेक्टर का इंट्रो टाइप है, जो भारत के बंटवारे से खुलता है। इसके बाद इसमें सलमान के करेक्टर का नाम और उसके पीछे का कारण पता चलता है। फिर हमें फिल्म में दिखने वाला सलमान खान का अलग अलग लुक दिखाया जाता है। सलमान फिल्म में उम्र के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग लुक और प्रोफेशन में नजर आएंगे, जिनमें से टीजर में वो नेवी ऑफिसर, खान में काम करने वाले मजदूर, सर्कस आर्टिस्ट और एक बॉक्सर टाइप किसी लुक में नजर आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा में सिनेमा सम्राट के नाम से मशहूर हुए मनोज कुमार की भारत कुमार वाली छवि पाने के लिए अक्षय कुमार ने तमाम कोशिश की, लेकिन रुपहले पर्दे पर भारत बनने के लिए जुगत की नहीं जीवट की जरूरत होती। रेस रिफ्लॉप होने के बाद सलमान खान खुद को एक नई इमेज में ढालने की कोशिश में और भारत के टीजर में इसकी झलक मिलती है। टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए फिल्म भारत के टीजर में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ सलमान खान ही है, दूसरा कोई कलाकार टीजर में नजर नहीं आता और शायद उसकी जरूरत भी नहीं। करीब 90 सेकंड के इस टीजर से एक बात तो साफ होती है कि सलमान खान का खुद पर भरोसा अब भी कायम है और उन्हें इस बात का यकीन भी है कि उनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम पर ही चलती। टीजर में कोई संवाद नहीं है, सिर्फ सलमान खान की आवाज भारत के किरदार का नजरिया बयां करती है। भारत का मानना है कि जब उनके पिताजी ने उनका नाम ही देश के नाम पर रख दिया तो फिर जाति, धर्म या सरनेम वाली दूसरी कोई पहचान नाम के साथ लगाने की जगह ही नहीं बचती। विचार में तो दम है, लेकिन इस देश में अब भी बिना सरनेम के पासपोर्ट नहीं बनता। टीजर में सलमान खान के किरदार की यात्रा की झलकियां भी हैं। कहीं वो सर्कस में आग के गोले के भीतर से बाइक जम करते दिखते हैं, कहीं नेवी ऑफिसर के तौर पर, कहीं कॉर्पोरेट लुक में, तो कहीं दिल्ली के पार्क में बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते। सलमान खान के नजरिए ये टीजर टाइट है, लेकिन इस टीजर से भारत फिल्म क्या है इसकी झलक नहीं मिलती है। सलमान खान ने इस टीजर के माध्यम से एक इंसानियत की परिभाषा देने की कोशिश की है, क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी धर्म, जाति, सरनेम ये सारे चीजें प्रधान है। लेकिन सलमान खान ने इस टीजर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ इंसान का नाम ही काफी है, उसकी जाति, धर्म और सरनेम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। भारत 2014 में आई कोरियन फिल्म और टू माई फादर से प्रेरित है। फिल्म में भाई बहन और फिर बाप बेटे के बिछड़ने की कहानी है। इसे एक लड़के की नजर से दिखाया गया था जो कोरियन युद्ध के दौरान बिछड़े अपने परिजनों से मिलने के लिए 1950 से लेकर 2014 तक इंतजार करता है। भारत में इसी लड़के का रोल सलमान खान करेंगे। इसकी कहानी शुरू होती है 1950 में हुए कोरियन युद्ध से। इस युद्ध का असर अमेरिकी सेना के सपोर्ट वाली साउथ कोरिया के कुछ इलाकों में बढ़ रहा था, इसलिए लोगों को वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह ले जाया जाने लगा। इसी दौरान फिल्म के मुख्य किरदार
योन डियोक सू की बहन मार्क सू कहीं गुम हो जाती है। उसे ढूंढने के लिए डियोक का पिता दक्षिण कोरिया में ही रुकने का फैसला करता है। फिल्म के आखिर में दोनों भाई बहन तो किसी तरह मिल जाते हैं, लेकिन डियोक अपने पिता से कभी नहीं मिल पाता। इसी कहानी पर आधारित है सलमान खान की फिल्म भारत, जिसको भारतीय प्रपेक्ष की दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की गई है। और लोगों का मानना है कि सलमान खान की फिल्म भारत दंगल का आराम से रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि भारत फिल्म में जिस इंसानियत की परिभाषा को दिखाया जाएगा वह अपने आप में महान है। क्योंकि आमिर खान की फिल्म दंगल भी भारत की राष्ट्रीयता को दिखाती है कि एक पहलवान किस प्रकार से अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। दोनों फिल्मों की कहानी अपने आप में लाजवाब है, इसलिए माना जा रहा है कि सलमान खान की भारत दंगल का आराम से रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म भारत में एक्शन है, रोमांस है, देशभक्ति है, ड्रामा है। तो आज हम बात करते हैं फिल्म में एक्शन की, लेकिन इससे पहले जरा हम नजर डालते हैं सलमान खान की कुछ ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्मों के ऊपर। जैसे ही हम सलमान खान की एक्शन फिल्म की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है वांटेड का। जहां सलमान खान का करियर डूबता हुआ नजर आ रहा था, तो वहीं सलमान खान ने कमबैक किया वांटेड के जरिए, जिसे प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया था। फिर आई दबंग, बॉडीगार्ड, जय हो, टाइगर, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर, रेस 3। हर फिल्म में एक से बढ़कर एक एक्शन करते नजर आए थे सलमान खान। सलमान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, और उसका कारण उनका अंदाज और उसी अंदाज में अनोखा एक्शन है। सलमान खान इस साल ईद पर कैटरीना कैफ और दिशा पाटनी के साथ फिल्म भारत में अपना कमाल दिखाते नजर आएंगे। टीजर को देखने के बाद सभी फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर का रीमेक है। अगर फिल्म में एक्शन भी होगा, जो कि बेशक होगा, तो अब देखना ये है कि इस बार सलमान खान किस अंदाज में एक्शन करते नजर आएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिल्म एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म होगी, क्योंकि जहां मिल जाते हैं सलमान खान और अली अब्बास जफर, तो फिर वो सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म बन ही जाती है। दोस्तों, मुझे तो फिल्म भारत का बेसब्री से इंतजार है, अगर आपको भी है तो हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड सुपरस्टार यानी कि सलमान खान जल्दी एक्ट्रेस यानी कि कैटरीना कैफ के साथ फिल्म भारत में काम करते नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशक अली अब्बास जफर कर रहे हैं और जल्दी इस फिल्म का आखिरी शूटिंग शेड्यूल पूरा हो जाएगा। माल्टा, दिल्ली, अबू धाबी जैसी लोकेशंस पर शूट करने के बाद अब दोनों मुंबई में फिल्म का आखिरी शूट करेंगे। फिल्म के लिए किया जा रहा है ये आखिरी सीन इमोशनल होगा। 5 जून को रिलीज होने जा रही ये फिल्म दक्षिण कोरियन ड्रामा फिल्म ओ टू माई फादर पर आधारित है। ये फिल्म लॉस एंजलिस में 31 दिसंबर 2014 को रिलीज हुई थी। साउथ कोरिया में ये तीसरी सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म का प्रोडक्शन सलमान खान, अतुल अग्निहोत्री, भूषण कुमार, अलविरा खान अग्निहोत्री और कृष्ण कुमार कर रहे हैं। फिल्म में पहले प्रियंका चोपड़ा लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म से अचानक बैकआउट कर लिया बिकॉज ऑफ मैरिज। मजबूरन मेकर्स को कैटरीना कैफ को सेकंड चॉइस के तौर पर कास्ट करना पड़ा था। बता दें कि कैटरीना और सलमान की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। दोनों की साथ में कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, शायद ये बात आप जानते होंगे और शायद आपने सलमान खान और कैटरीना की हर फिल्म देखी होगी। देखना होगा कि भारत बॉक्स ऑफिस पर कौन से झंडे गाड़ती है, कौन सा कमाल करती है, कौन से रिकॉर्ड कायम करती है। लेकिन बात करें इस फिल्म के आखिरी सीन की, तो जैसा कि आज हमारे भारत में जो कहानी चल रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी चल रही है, सलमान खान इस तनातनी को अपनी फिल्म में दिखाना चाहते हैं, और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक वाले सीन को अपनी फिल्म में लाना चाहते हैं और इस सीन के साथ फिल्म की एंडिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सलमान खान की फिल्म भारत में वो किस तरीके से इन हालातों को दिखाते हैं जो कि आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं, और इसी सीन पे वो फिल्म की एंडिंग करेंगे। दोस्तों, बॉलीवुड के मोस्ट वांटेड खान यानी कि सलमान खान की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है और अब हर तरफ भारत का बोलबाला है। फिल्म के टीजर में एक इमोशनल तड़का है जो ऑडियंस को अपने साथ और अपने देश से कनेक्ट करता है। फिल्म में सलमान खान के अलग अलग लुक्स भी देखने को मिल रहे हैं। भारत फिल्म के टीजर में सलमान खान
अपने और अपने देश से जुड़े रिश्ते की दास्तां सुनाते नजर आ रहे हैं। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा सरनेम क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, और मैं उनसे मुस्कुरा के कहता हूँ कि इस देश के नाम पर मेरे बाबूजी ने मेरा नाम भारत रखा। अब इतने बड़े नाम के आगे जाति, धर्म, सरनेम लगा के ना तो अपना और ना ही इस देश का मान कम कर सकता हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसा इमोशनल डायलॉग जिससे वो अपने देश के लोगों को अपने और देश के बीच उनके रिश्ते की दास्तां सुनाते हैं, और दोस्तों उनका ये फौलादी अंदाज देखते ही बनता है। दोस्तों, फिल्म के टीजर में अगर ध्यान से देखें तो सुनील ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं। जब सलमान खान टीजर में बॉक्सिंग करते नजर आ रहे हैं तो वो पंचिंग बैग को पकड़े नजर आते हैं। भारत ईद पर रिलीज होगी और अभी फिल्म को रिलीज होने में 6 महीने बाकी हैं। इसलिए डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कैटरीना कैफ के लुक्स को रिवील नहीं किया है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। टीजर से ये तो साफ दिख रहा है कि फिल्म रेस 3 के फ्लॉप होने से सलमान खान के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है। जिस तरीके से उनकी फिल्म भारत के टीजर ने 4 दिनों में टॉप ट्रेंड में बने रहकर 4 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर ऑफ इंडियन सिनेमा बनने वाली है। आपको बता दें कि अब तक ये रिकॉर्ड फिल्म बाहुबली 2 के पास है, जिसने इंडियन सिनेमा में 2000 करोड़ से ऊपर की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। दोस्तों, भारत के टीजर ने टॉप ट्रेंड के मामले में 4 दिन में 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल करके बाहुबली 2 को तो पछाड़ दिया है, लेकिन क्या फिल्म भारत 2500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर बन पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आप भारत फिल्म से रिलेटेड और कोई अपडेट चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, आप उन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।